हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से वही लेसन टू शेप्स एंड एंगल्स को समझेंगे। घर पे भी वस्तुओं के बीच में बनने वाले कोनों को मेजर किया होगा कि वो कितना कितना कोण बना रहे हैं। तो जैसे समकोण जांचक से आपका ये जो कोण जांचक है इसके द्वारा आपने घर पे किया होगा। तो जैसे ये एक मेरे पास डायरी है, तो जब मैं इसका कवर खोलती हूँ तो देखो ये भी दो जो रेखाएं हैं ये दिख रही है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो ये भी क्या बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं। तो देखो ये एल शेप में आ गया तो समकोण, थोड़ा सा ज़्यादा चला गया तो अधिक कोण, थोड़ा सा कम आ गया तो इनके बीच में क्या कोण बन रहा है। यहाँ देखो इन दो रेखाओं के बीच में ये क्या बना रहे हैं, न्यून कोण। तो ये समकोण से कम आ गया, ये एल शेप में समकोण आ गया, और ये समकोण से इनके बीच में जो कोण बनेगा वो समकोण से ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों हम क्या है, आपकी पुस्तक में ही पेज नंबर 25 पे दे रखा है कि आपके नाम के जब नाम को आप इस तरह से लिखेंगे, आप ये मैंने एक फुट्टे की सहायता से लिखा है, स्केल की सहायता से बिल्कुल रेखाओं को सीधा करके इस तरह से एक नाम रखा है, जैसे मैंने लिखा है सुखमन, तो आप भी अपना नाम लिख सकते हैं और अपने नाम के बीच में जो ये रेखाएं बन रही हैं ना, इन रेखाओं के बीच में देखो कि कितने समकोण बन रहे हैं, कितने न्यून कोण बन रहे हैं और कितने अधिक कोण बन रहे हैं। जो समकोण से कम होता है वो न्यून कोण होता है, और जो समकोण से अधिक होता है वो अधिक कोण होता है। तो देखो बच्चों, जो एल शेप में मैंने कहा था कि बिल्कुल ही ये समकोण है, ये देखो ये समकोण, तो एक तो ये एक समकोण यहाँ बन गया, ये दो रेखाएं भी समकोण बना रही है, दो ये दो रेखाएं भी समकोण बना रही है, तीन ये वाली दो रेखाएं भी समकोण बना रही है, चार यहाँ देखो बच्चों ये वाली रेखा और ये वाली रेखा बिल्कुल एल शेप में आई ना, तो ये भी क्या आ गई, समकोण। पाँच ये और ये भी क्या बनी, समकोण। छः अब देखो ये क्या समकोण बना रही है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, मेजर करके देखते हैं जरा। अगर मैं ये जो मेरा कोण जांचक है अगर मैं इस तरह से इसको ऐसे रखती हूँ तो देखो ये कोई समकोण बना रही है, बन रहा है बच्चों ये समकोण, नहीं ये न्यून कोण है, तो ये समकोण नहीं है। अब इसको और इसको भी मेजर करके देखते हैं, ये क्या समकोण बना रहे हैं, नहीं ये भी समकोण नहीं है, तो ये भी समकोण नहीं है, ये भी समकोण नहीं है। अब देखो बच्चों ये एच है, एच की ये जो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा के बीच में देखो ये एल शेप में आया तो ये समकोण है, ये और ये भी क्या है समकोण है, ये और ये भी क्या है समकोण है, ये और ये भी क्या है समकोण है, तो चार समकोण तो यहीं पे बन गए इस एच में। अब यहाँ और यहाँ देखो ये क्या समकोण बन रहा है, नहीं बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा मोड़ के देखूँ और ये कोण जाचक यहाँ रखूँ तो ये देखो मैं इस वाले पॉइंट को इस कोने पे लेके आ रही हूँ तो ये समकोण नहीं बन रहा है, ये न्यून कोण है, तो ये भी समकोण नहीं है। चलो अब ये जो इन दो के बीच में बन रहा है ये और ये, इसको मेजर करें। देखो बच्चों ये समकोण बन रहा है, क्योंकि जब ये मेरे पास बिल्कुल एल शेप में बना हुआ समकोण है, जब मैं इसके इस वर्टेक्स को कोने को यहाँ जैसे लगा रही हूँ तो देखो ये वाली रेखा भी बिल्कुल इसकी सीध में आ रही है और ये वाली रेखा भी यहाँ आ रही है, तो ये भी क्या बना रहे हैं आपस में, समकोण बन रहा है। ये जब यहाँ समकोण नहीं बना तो यहाँ पे भी नहीं बना, ये समकोण से कम है मतलब न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, मेज़र करके देख लो। मैंने ये जो मेरा समकोण जांचक है जब मैंने इसे ऐसे रखा तो आप खुद देख लिए ये समकोण नहीं बना रहे हैं, ये न्यून कोण है मतलब समकोण से छोटा है, ये भी। और यहाँ देख लो आप इस रेखा को जब मैं यहाँ लगाती हूँ, ये वाला समकोण जांचक जो है जब मैं यहाँ लगा रही हूँ इस रेखा के साथ तो ये इस सीध में नहीं आ रही है रेखा, ये समकोण से अधिक जा रहा है, तो मतलब ये अधिक कोण बन गया, ये भी अधिक कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, और ये भी न्यून कोण ही बनेंगे क्योंकि ये छोटे कोण है, ये और ये आप खुद देख लो। अगर मैं ये इस तरह से लगा रही हूँ बिल्कुल सीधा करके तो देखो ये रेखा इस रेखा से अंदर जा रही है, तो ये न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण मतलब समकोण से छोटे कोण है। तो देखें कितने समकोण बने इस नाम में, करो काउंट, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह, तो हमारे पास यहाँ
समकोण कितने बने? समकोणों की जो संख्या आई वो बने 11। और जो समकोण से कम है या जो और 10 कोण ऐसे हैं, देखो यहाँ पे जो समकोण से कम है, समकोण से कम वो देखें हम कितने हैं समकोण से कम। तो देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ फिर से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्योंकि ये वाले ये जो थे ये दो कोण ये अधिक कोण थे, ये और ये वाले ये कैसे कोण थे? अधिक कोण, मतलब समकोण से अधिक थे तो ये अधिक वाले थे, तो दो अधिक कोण बने और बाकी दो समकोण से कम कितने बने? 10। और जो समकोण से अधिक थे, समकोण से अधिक वो कितने बने? 2, वो 2 बने। ठीक है बच्चों, तो हम आप भी अपने नाम इस तरह से लिखो बिल्कुल सीधी सीधी रेखाओं में और उसको इस तरह के समकोण जांचक कोण जांचक बनाकर आप देखो कितने समकोण आपके नाम के अक्षरों के बीच में बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सीधी रेखा के उपयोग से तुमने 3 नाम लिखने हैं, अलग अलग तरीकों के उसमें कोण गिनने हैं कि कितने कोण बन रहे हैं, समकोण वाले कितने बन रहे हैं, समकोण से कम कितने बन रहे हैं और समकोण से ज़्यादा वाले कोण कितनी संख्या में बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक की पेज नंबर जो 26 है ना, ठीक है, उसमें ये बताया गया था कि माचिस की तिलियों के अलग अलग टुकड़ों से, ट्यूब के टुकड़ों से कोण बनाओ। ठीक है, कोण या आकृतियाँ बनाओ। अब मैंने क्या कर रखा है, देखो बच्चों मैंने पहले से ही कुछ आकृतियाँ बना रखी है। मैंने क्या किया हुआ, इस तरह से एक तो तिलियाँ ली है, ठीक है, तिलियों के जो ऊपर वाला काला हिस्सा होता है ना मैंने उसको हटा दिया है, इस तरह से साफ कर दिया है और ये छोटे छोटे से मैंने ट्यूब के टुकड़े थे मेरे पास, ट्यूब थी एक पतली सी, मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। और ये कैसी ट्यूब है, मुड़ने वाली ट्यूब है, इस तरह से फ्लेक्सिबल ट्यूब है। और मैंने क्या किया, फिर माचिस की एक तिल्ली सिरे को इस तरह से जोड़ा और दूसरे सिरे को इस तरह से इसके बीच में डाला, आप देख सकते हो मैं डाल रही हूँ ये, ठीक है, और 3 तिलियाँ ले रखी मैंने और यहाँ पे 3 ही मेरे पास ये ट्यूब के छोटे छोटे टुकड़े हैं और एक सिरा मैंने ऐसे इसके बीच में डाल दिया। ठीक है, तो देखो ये आकृति बन गई और इस आकृति के बीच में कितने को ऐसे ही मैंने एक आकृति ऐसे बना रखी, इसमें मैंने 4 तिलियों का प्रयोग किया है और 4 ये छोटे छोटे ट्यूब के टुकड़े लिए हैं। तो बच्चों देखो इसमें कितने कोण बन, पहले बताओ भुजाएँ कितनी हैं, 1, 2, 3 और कितने कोण बन रहे हैं बच्चों इसके बीच में, आप खुद देखो, ये 2 तिलियां है ना, तो ये एक कोण, ये दूसरा कोण, ये इन तिलियों के बीच में और ये तीसरा कोण, मतलब इस त्रिभुज में 3 कोण ही हैं और 3 भुजाएं हैं। वैसे ये आपके पास ये एक कौन सी आकृति है बच्चों, में हमने आकृति के बारे में पढ़ा है, तो ये वर्ग की आकृति है। कौन सी आकृति है? वर्ग। कैसी आकृति है? वर्ग की आकृति है। और ये कितनी भुजाएं बना रही है, करो काउंट, 1, 2, 3, 4 तो ये कितनी आकृतियां बनाई इसने, कितनी भुजाएं है इसमें? 4। और ये कैसी आकृति है? वर्ग की आकृति है। और ये कितने कोण बना रही है, आप साथ साथ में काउंट कर सकते हैं, बोलो, 1, 2, 3, 4। तो यानी इस वर्ग की आकृति में कितने कोण थे? 4। शाबाश। ठीक है, और बच्चों आप देख सकते हैं कि हर आकृति कैसी है, ये समकोण बना रही है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। तो आप देखो बच्चों ये जो आकृतियां हैं जब मैं इसको दबा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या दब रही है ये इनके कोण, ठीक है, ये देखना है आपने, खुद बनाना है और ये देखना है कि इनकी आकृति के जो कोण बने हैं इनके बीच में, जो अगर मैं इनको उंगली से दबा रही हूँ तो क्या बदलाव आ रहे हैं, कि कोण छोटे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर हो रहे हैं तो हाँ, नहीं हो रहे तो नहीं। तो इस तरह की एक्टिविटी आप घर पे करो और इस तरह से बहुत सारी आप एक्टिविटी मतलब आकृतियाँ बनाकर और उनके बीच में बहुत सारे कोण बना सकते हैं और उनको मेज़र करो कि कौन कौन से समकोण हैं, कौन से समकोण नहीं हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे मैं मेज़र कर लो, ये समकोण से जांचक से देखा तो ये समकोण बन रहा है ना। तो इस तरह से आप अपने पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करो। तब तक के लिए बाय बाय।